अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर औलिया सुलहा उलमा फरमाते हैं औलिया अल्लाह कौन है ने, औलिया अल्लाह कौन है, वली कौन है, जिन्होंने बंदा वेखे ते खुदा याद आ जावे, जिन्होंने वेखे बोलते नहीं जी खुदा याद आ जाए। थोड़े जे तबसर करके फिर इंशाल्लाह आगे चलने हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मेरे आकर इस्लाम के चाचाजाद भाई ने आप रिवायत फरमाते हैं, एक शख्स ने मेरे आकर इस्लाम को पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया अल्लाह कौन ने, मेरे आकर इस्लाम ने फरमाया वो जब उन्हें देखो तो तुझे खुदा याद आ जाए। जब देखो सरकार ने क्या फरमाया, औलिया अल्लाह वो हैं जिनको देखो और अल्लाह याद आ जाए, तुम्हें खुदा याद आ जाए, अल्लाह का जिक्र याद आ जाए, तुम अल्लाह का जिक्र करने लग जाओ, समझो वो औलिया अल्लाह है। आगे फरमाया मेरे आकर इस्लाम ने फरमाया बाद खुदा के बंदे वो हैं, बाद अल्लाह के बंदे वो हैं, और खुदा के बंदे ऐसे हैं जिन पर अंबिया शुहादा सालिहीन रश करेंगे। पूछा गया यार सुना वो कौन है जिन पर अंबिया शुहादा रश करेंगे, तो फरमाया ये वो शख्स हैं जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं माल की वजह से नहीं, खून की वजह से नहीं, बस अल्लाह की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क़यामत के दिन उनके लिए नूर के मिंबर रखे जाएंगे जिन पर वो तशरीफ फरमा होंगे, उनके लिए नूर के मिंबर रखे जाएंगे जिन पर वो तशरीफ फरमा होंगे। पूछा जाएगा मौला ये कौन लोग हैं जिनके लिए नूर के मिंबर रखे हैं, रब फरमाएगा ये वो लोग हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत सिर्फ मेरी रजा के लिए करते थे, और फिर ईमान लाए, फिर वो अपने ईमान पर कायम रहे। जब कायम रहे रब्बे ज़ुल्जलाल ने उस बात को भी अपने पाक कलाम के अंदर बयान फरमाया, फरमाया इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्म इस्तक़ामु, वो लोग जो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार की, उस पर कायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु, उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, अल्लाह तखाफु उन्हें कोई खौफ नहीं है, उन्हें वला तहज़नु ना उन्हें कोई गम है, ना कोई खौफ है ना कोई गम है। आगे फरमाया وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, मेरे महबूब खुशखबरी दो, क्या दो खुशखबरी दो उनको, मौला किसकी, फरमाया بِالْجَنَّةِ जन्नत की, بِالْجَنَّةِ जन्नत की, كُنْتُمْ تُوعَدُونَ इसका उनसे वादा किया गया था, इसका बोलते नहीं, इसका उनसे वादा किया गया था, इसलिए अल्लाह ताला जल्ला शान ने औलिया की शान